दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल ढावा और मैं हूं नवीन चंद मनोज। मैं अभी मौजूद हूं नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 के मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल में। यहां कल से 43वीं नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप सीनियर का शानदार आगाज़ होने जा रहा है। टूर्नामेंट की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, टीमों का आना जारी है, बहुत सारी टीमें पहुँच चुकी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यहां के व्यू को, उसके बाद मैं तैयारियों के बारे में लोगों से बात करूंगा। आप देखिए ये 3 कोर्ट बनाया गया है जिसपे मैच होंगे। कुल 24 टीमों, 24 राज्यों की टीमें भाग लेंगी, 24 राज्यों के पुरुष और महिला की टीमें हिस्सा लेंगी। इसी स्कूल में ये आप देखिए ये ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी चल रही है। यहीं पे ये स्टेज बनाया जा रहा है, यह स्कूल है। इसी स्कूल में खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था की गई है। 19 टेक्निकल ऑफिशियल मैचों का संचालन करेंगे और इसी बिल्डिंग में खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। ऑफिशियल को होटलों में ठहराया गया है। नाइट मैच की व्यवस्था है, दोधिया रोशनी में भी मैच खेले जाएंगे। यहाँ पे लगभग सारी टीमें पहुँच चुकी हैं, कुछ टीमों का कल आना जारी होगा और कल ही मैनेजर मीटिंग वगैरह होगी। ये आप देखें ये थ्रो बॉल एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप को लेकर घामा गमी है। लोग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हैं। दिल्ली एसोसिएशन थ्रो बॉल के सारे प्राधिकारी यहां पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये कोर्ट 3 कोर्ट है। आप देखें थ्रो बॉल इंडिया का एक पॉपुलर गेम है, खासकर साउथ दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। देखिए ये स्कूल टूर्नामेंट का कल उद्घाटन 11 बजे होगा। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आवेश गुप्ता जी उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर मनन बुद्धिराज डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। अतिथि के रूप में बहुत सारे लोग मौजूद रहेंगे। अब हम तैयारियों को लेकर थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव और दिल्ली थ्रो बॉल के अध्यक्ष नरेश मान जी से बात करते हैं कि क्या क्या तैयारियां हैं, खिलाड़ियों को क्या क्या सुविधा दी जाएगी यहां पे और मैचों का शेड्यूल किस प्रकार से होगा। नरेश मान जी, इस चैंपियनशिप की तैयारियों के बारे में थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और अपनी हमारी जो दिल्ली थ्रो बॉल एसोसिएशन है, हमारे सभी पदाधिकारी, आप लोगों का, सभी खिलाड़ियों का, पदाधिकारियों का, कोचों का और जो हमारे जितने टेक्निकल ऑफिसर हैं सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। और ऐसा जैसे ये 43rd सीनियर नेशनल है, मैन वीमेन की अच्छी तैयारियां चल रही हैं। कल हमारी 12 बजे ओपनिंग सेरेमनी है, उसमें हमारे आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो आएंगे, चीफ गेस्ट हैं हमारे। और आयोजन में हमारी कोशिश ये कोई कमी नहीं हो, मेयर दिल्ली के हैं और दिल्ली के मेयर आ रहे हैं, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आ रहे हैं श्री संजय अम्बस्टा जी,
और क्या खिलाड़ियों को क्या क्या सुविधा मिलेगी? खिलाड़ियों को सुविधा ऐसा है, अभी सबको रुकने के लिए रूम हैं, गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं, खाने के लिए अच्छा खाना लगा रखा है हमने, बहुत अच्छा कैटर्स किया हुआ है जी जी। और जूस वगैरह जो भी सुविधाएं हैं, और डे नाइट मैच होंगे, ऐसे लाइटें लगवाई हैं कि क्योंकि मैच ज़्यादा होते जाते हैं सीनियर कैटेगरी में, इसलिए हमने डे नाइट मैच का प्रोग्राम किया है। धन्यवाद। आप कनाडा से आए हो स्पेशल? अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल के कार्यकारिणी सदस्य अजीत जी से। सर, आप बताएंगे कि इंडिया के में स्पोर्ट्स, खासकर थ्रो बॉल प्लस और गेमों का क्या है आपका यहाँ का, और प्लस जहाँ आप रहते हैं, शायद कनाडा में आप रहते हैं, वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, क्या सुविधाओं में अंतर है? सुविधाओं में वहाँ पे ज़्यादातर इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि 6 महीने लगभग हमारे इधर विंटर रहती है, खासकर मैं विनीपैग से हूँ, टोरंटो वैनकोवर उसमें तो फिर भी वार्म एरिया है, लेकिन विनीपैग में ज़्यादातर हमारे ठंड रहती है, तो इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा चलती हैं। अभी भी वहाँ पे -25-30 degrees टेम्परेचर वहाँ पे अब भी है, यहाँ पे +30 है, वहाँ पे -30 है, इतना फर्क है तो 60 degrees का डिफरेंस है, तो इंडोर एक्टिविटीज़ हमारे उधर ज़्यादा चलती हैं। और कोविड की वजह से पिछले 2 साल से एक्टिविटीज़, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, सभी रुकी हुई हैं, तो यहाँ पे सीनियर नेशनल हो रही थी, तो हमें ऑब्जर्वर और यहाँ पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से यहाँ पे वॉच के लिए आए। क्या थ्रो बॉल को आप कनाडा में पॉपुलर करना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करना चाहेंगे, और हमारे वहाँ पे कनाडा की थ्रो बॉल फेडरेशन है, जो उधर हमारी मैनिटोबा स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ से फंडेड और रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट फंड भी देती है। जी जी जी, धन्यवाद। अब हम तैयारियों को लेकर थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव जगन जी से बात करते हैं। जगन जी बताएंगे यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है उसकी तैयारियों के बारे में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, ऑन बिहाफ ऑफ थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना थ्रोबॉल एसोसिएशन, आई वार्मली वेलकम ऑल द प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स फॉर द 43rd सीनियर नेशनल थ्रोबॉल चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड एट न्यू दिल्ली मदर डिवाइन स्कूल सेक्टर 3 रोहिणी इन ए स्प्लेंडेड एटमॉस्फियर एंड फ्लड लाइट्स, फ्लेक्सिबल फ्लड लाइट्स गोइंग ऑन under the dynamic leadership of Mr. Naresh Mann, Secretary General, and Mr. Karam Singh Karma, Basant Rana, and their entire team of Delhi Throwball Association. We look forward all the teams, by tonight they will be reaching destination. Tomorrow at 12 p.m. matches will be starting. So we hope the best, and the best team win. All the best to the players and officials. Thank you. अब हम बात करते हैं दिल्ली थ्रोबॉल टीम के चीफ कोच और इस आयोजन में अहम भूमिका निभाने वाले बसंत राणा जी से। सर, आयोजन को लेकर आप कुछ बताएंगे? सर, ये हमारा दिल्ली में शायद 6वां-7वां सीनियर नेशनल है जो कि हमारी एसोसिएशन इसको कराती आई है, और 20 साल से एक्चुअल में इस गेम को दिल्ली में थ्रोबॉल को लाने वाला नहीं हूँ जी जी, और SGFI में डलवाने वाले महाबली सतपाल जी के आशीर्वाद से हम ही हैं, और लगातार 20 साल से लगातार दिल्ली कहीं पे भी इंडिया में नेशनल चैंपियनशिप हुई है तो दिल्ली हमेशा मेडल जीत के लाई है। इस बार क्या तैयारी है दिल्ली? तैयारी हमारी इतनी ज़बरदस्त टीम की तो है ही है जी जी, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया में नंबर 1 पे होता है, बेस्ट खाना रहना और प्राइजेज जो देते हैं वो सारा हमारा सबसे नंबर 1 पे होता है, क्योंकि जो थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे दिल्ली के नरेश मान जी हैं, जो करम दिल्ली के सेक्रेटरी हैं करम सिंह कर्मा जी, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हमारे को स्पॉन्सर्ड की भगवान की दया से कोई कमी नहीं होती, इसलिए हम और हमारा जो संघ है जो थ्रोबॉल एसोसिएशन पे दिल्ली है उसमें सारे पदाधिकारी हैं, वो सारे अपने टाइम के खिलाड़ी रहे किसी ना किसी गेम के, इसलिए हमारा जो आयोजन होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। चलिए, धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला भाई।